हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आप सामने जो देख रहे हैं कलांचो के फ्लावर प्लांट है, तो कलांचो तो विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसकी कटिंग हम लोग लगाते हैं। और उसकी कटिंग में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए इसके लिए मैं दो फर्टिलाइज़र भी आपके लिए शेयर करूँगी। तो आप देखिए, मैंने कई सारे कलांचो की कटिंग को ग्रो किया है, तो जाहिर है कलांचो की कटिंग है तो इसमें फ्लावरिंग भी लेट में होगी। और कलांचो की कटिंग का जो सक्सेस रेट होता है वो विंटर में 100% होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे कटिंग को लगाते रहती हूँ और कटिंग बहुत अच्छे से देखिए ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसे होता क्या है कि हमारे पास प्लांट की क्वांटिटी बढ़ जाती है और कलांचो के बाकी फ्लावर प्लांट में तो फूल आ ही रहे हैं, तो कटिंग में कलियां आ जाती है और फूल बहुत देर में देखने को मिलती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने के लिए मैं दो फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कलांचो के बारे में कुछ बातें मैं बता देना भी ज़रूरी समझती हूँ। कलांचो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पर बहुत ही शॉर्ट डे प्लांट भी है, पर कम समय में ही ये फ्लावर्स हमारे गार्डन में देता है, लेकिन बहुत दिनों तक इसके फूल प्लांट में टिके रहते हैं। तो कम पानी में कम केयर में चलने वाला प्लांट है ये। बस आप इसे विंटर की फुल डे की सनलाइट में रखिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए। क्योंकि यह सकुलेंट प्लांट है तो इसमें पानी का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। कभी भी इस प्लांट में ज़्यादा पानी मत डालें। कलांचो को मरने का एक ही बस कारण होता है, वो है ज़्यादा पानी। ये छोटे से छोटे पॉट में अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कलांचो प्लांट है और सभी कलर के हैं वाइट छोड़कर, और मैंने बहुत सारे प्लांट को कटिंग से ही रेडी किया है। तो चलिए, कटिंग वाले प्लांट में भी फ्लावरिंग होनी चाहिए, इसके लिए मैं दो फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक ये है प्याज के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र, जो कि घरों से निकलते हैं। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर होते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ को अच्छी करती हैं और फूल और फल लाने में भी प्लांट में मदद देता है। और दूसरा जो ये फर्टिलाइज़र है, ये बनाना पील को आप ड्राई करके उसे मिक्सी में पीस लीजिए अंडों के छिलके के साथ, और उसमें पानी मिलाकर ये फर्टिलाइज़र आप बोतल में बनाकर रखिए। ये फर्टिलाइज़र को बनाने में महीनों लग जाते हैं, जिसे एंजाइम भी आप बोल सकते हो। तो ये पौधों में बहुत ही कम यूज़ होता है और उसका रिजल्ट तो आप देख ही पा रहे हैं। और एक चीज़ है, बनाना पील के जो फर्टिलाइज़र है उसमें B1, B2, B3, विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और पोटास भी पाया जाता है, तो ये एक फंजीसाइड का भी काम करता है। इसके स्प्रे से कीड़े मकोड़े मरते नहीं हैं, लेकिन आपके पौधों से भाग जाते हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ करने का तरीका भी आना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को आप 100 ml से 200 ml तक यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा ना करें। तो 100 ml, 200 ml नापने का अगर आपको आइडिया जल्दी से जल्दी लेना है तो कोई भी एक छोटा डब्बा ले लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे अच्छा उपाय है, 1 लीटर पानी में 100 ml का एक डब्बा है मेरे पास, उससे मैं डाल देती हूँ। और यदि मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया तो थोड़ा और पानी मैं मिला देती हूँ। इस तरह से आप किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, ज़्यादा आपके पौधों में नहीं डालना है। और दूसरा है कि आप इसे सुबह डालें या शाम में डालें। ध्यान रहे, ये फर्टिलाइज़र है, पानी नहीं है,
इसे अपने पौधों में कम ही अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप किसी भी बकेट में फर्टिलाइज़र को मिला लीजिए अच्छी तरह से, और अगर इसमें पानी कम हो गया है इस बॉटल में तो फिर से इसमें पानी मिलाकर आप रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिला लीजिए, और थोड़ी सी दुर्गंध आती है लेकिन प्लांट के लिए ये दुर्गंध बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए अब सभी प्लांट में डाल लेती हूँ। आप देखेंगे कि पौधों में फ्लावर्स इतने हो गए हैं, पौधे घने हो गए हैं। तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने का मेरा मकसद ये भी था कि पौधों में कभी कभी जगह भी नहीं होती है कि ड्राई फर्टिलाइज़र मैं कहाँ से डालूँ, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने में सुविधा भी होती है। और जैसा कि फरवरी का मंथ चल रहा है और गर्मियाँ इन करने वाली है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट में कर सकते हो। ध्यान रहे ये किसी प्लांट में ज़्यादा नहीं डालना है, ये पानी नहीं है। सोचा जाए तो ये कलांचों के प्लांट के रूट को बस टेस्ट कराना है, इतना ही हमें डालना है। और मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। आप कोशिश करें इसे शाम को डालने की या फिर अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में किसी भी खाद का यूज़ ना करें। तो ये होममेड फर्टिलाइज़र अगर आप बनाना चाहते हो तो मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था, आप जाकर देख सकते हैं या मैं लिंक देने की कोशिश करूँगी। इस तरह से मैं सभी प्लांट में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दे रही हूँ। और ये फूल फल लाने के लिए किसी भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। बनाना पील में नाइट्रोजन नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है उसके रूट के लिए, लेकिन पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बनाना पील बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि कलियां लाने में हमारे पौधों में हेल्प करता है। इस तरह से मैंने सारे प्लांट में अपने ये फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लिया है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं ड्राई फर्टिलाइज़र डालकर अपने पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए रेडी किया था, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं देसी कलांचो हो या हाइब्रिड हो या वेरीगेटेड हो, सभी में बहुत जम कर फ्लावरिंग हो रही है। और कलांचो प्लांट जो होते हैं वो परेनियल प्लांट होते हैं, बिना फूलों के ये सालों साल आपके गार्डन में रहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करके आप इसे सालों साल अपने गार्डन में रख सकते हो, लेकिन जून जुलाई की तपती धूप से आपको इसे बचाना होगा। मुझे तो लगता है सभी प्लांट को गर्मियों से बचाना चाहिए, इसलिए आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। और दूसरा टिप ये है कि आप इसे झुंड में रखिए। किसी भी प्लांट को अगर झुंड में गर्मियों में रखते हैं तो वो बच जाते हैं। बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो कि गर्मियों की हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमारे गार्डन से वो गायब हो जाते हैं, लेकिन सालों साल आप यदि इसे बचाना चाहते हो तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो आपके भी गार्डन में इतने ही सुंदर तरीके से कलांचो ग्रो होते रहेंगे।
और मैंने थंबनेल में इसे विंडोज़ थ्रिल नाम से भी लिखा है, तो उसका मतलब होता है कलांचो का जो निक नेम है वही है, इसलिए मैंने लिखा है। तो ये रही मेरी कलांचो प्लांट केयर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।